आई विल टीच यू ट्रिक सर, ध्यान से सुनना, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है सर? जीरो का कोई ट्रिक है? अगर ये वन मार्क एमसीक्यू में आया, अगर ये वन मार्क एमसीक्यू में आया तो ट्रिक क्या है? देख मजा आएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो भी फैक्टर आएंगे ना उसका पलटी कर देना। हाँ, जो भी फैक्टर आएंगे उसका पलटी कर देना। पलटी मतलब ऑपोजिट, पलटी मींस ऑपोजिट। सी व्हाट आर यू गेटिंग द फैक्टर हियर? x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू। देख, थ्री का माइनस थ्री का पलटी इज थ्री, माइनस टू का पलटी, पलटी मींस ऑपोजिट इज टू। समझ में आया? देख एक एग्जांपल लेंगे, देख एक एग्जांपल। पहला बोल, ये समझ में आया मैं क्या बोला? तो तेरे को समझ में आया जीरो का ट्रिक? ट्रिक क्या समझा? जो भी फैक्टर आएगा उसका पलटी कर देना, वही उसका जीरो है। सही है ना? सही है कि नहीं? देख मैं तेरे को और एक बता, बट टर्म्स एंड कंडीशंस लागू, बट टर्म्स एंड कंडीशंस लागू। व्हाट आर दी टर्म्स एंड कंडीशंस? लेट मी एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट टाइम जीरोस अगर वन मार्क के लिए आया, एमसीक्यू के लिए आया, तो तुझे करना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ। कम ऑन बच्चा, लेट अस सी हाउ। वेरी सिंपल, विल टेक वन एग्जांपल। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 15 इक्वल टू जीरो। कौन बोलेगा फास्टेस्ट? कौन बोलेगा फास्टेस्ट आंसर क्या है? बोल, टाइम अप, बोल आंसर क्या है। कम ऑन फास्ट, हु इज द फर्स्ट बच्चा? इसके जीरोस क्या है? इसके जीरोस के वैल्यू क्या है? आर ऑफ फर्स्ट बच्चा टू आंसर। सेकंड बच्चा, इसके जीरोस क्या है? आर ऑफ फर्स्ट बच्चा, करेक्ट। रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। एवरी अदर्स एवरीबडी रॉन्ग। देव करेक्ट, मिस्टी करेक्ट, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। बस हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस सी 15 को तोड़ना है 3 एंड 5। बस इसका पलटी आएगा, माइनस 3 माइनस 5। हो गया, समझा कि नहीं? इधर आएगा 5x, ये लॉन्ग कट, प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देख कैसे आएगा आंसर। ओके, ये घर बना, ये घर बना, एक्स प्लस 5 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 5 कॉमन, एक्स प्लस 3 कॉमन, सॉरी। तो क्या बचा? एक्स प्लस 5 और इधर एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो लिख, कॉमा डाल, एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो लिख। इसको इधर लेके जा माइनस 5, इसको इधर लेके जा माइनस 3। उतना हेडेक करने का ही नहीं था। लॉजिक क्या था? जो भी फैक्टर आएंगे उसका पलटी। देख सेम आया, सेम आया तुझे ये ट्रिक, ये ट्रिक एमसीक्यू में आए तो ट्रिक। बट इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू, इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू। व्हाट इज दैट टर्म्स एंड कंडीशन? टर्म्स एंड कंडीशन, दिस ट्रिक इज अप्लीकेबल, दिस इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन, दिस इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन, ओनली व्हेन ए इज वन। ए इज वन मतलब क्या? ये वन होना चाहिए। इसका जनरल इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, करेक्ट है? दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन। अगर ए वन है तो ही ट्रिक अप्लीकेबल है। अगर ए कुछ और निकला, मतलब इधर कुछ और है, वन छोड़ के कुछ और है, आई रिपीट थर्ड टाइम, वन छोड़ के कुछ और आएगा इधर, तो ये ट्रिक काम का नहीं है। लॉजिक गया। व्हाट इज द टर्म एंड कंडीशन? दिस ट्रिक इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्स स्क्वायर के बाजू वन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, समझ जा बस। वन क्यों? कुछ नहीं है मतलब वन है। इट इज टू बी अंडरस्टूड, कुछ नहीं है मतलब वन है। बोल, कॉन्सेप्ट सबको गया? अब हां या ना तो बोल, डाउट लूंगा।